लगातार पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को सभी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो पूरी ईमानदारी से पूरे कोरोना काल में दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी जब जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, समय पर हमको भुगतान नहीं होता है, जो वार्डों में संवेदक काम कर रहे हैं, जो रोड नाले का निर्माण कर रहे हैं, जब हम लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि साल साल भर हो गया अभी तक तुम्हारे तरफ से ना रोड पूरा किया गया ना नाला पूरा किया गया, उसके द्वारा जब ये बताया जाता है कि नगर आयुक्त के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आखिर नगर आयुक्त किसी बड़ी योजना की उम्मीद हम नगर आयुक्त से कैसे कर सकते हैं जब वो सफाई कर्मचारी का भुगतान समय पर नहीं करे, संवेदक का भुगतान समय पर नहीं करे, डंपिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने लिया वहाँ कूड़ा डंप करने का काम नहीं करे, वहाँ के लिए अलग अलग बहाने मारे, क्षेत्र में नहीं निकले, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुने, केवल आवास और कार्यालय यदि यहीं तक सीमित रहना है तो आप चल जाइए फिर पटना, यहाँ क्या आवश्यकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी भी लचर व्यवस्था पाई गई और माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि हमारी और सरकार की जो है वो छवि धुलमिल हो रही है, तो उन्होंने 3 प्रधान सचिव को बदलने का काम किया एक ही महीना में। तो यहाँ पर तो सालों साल से नगर आयुक्त जो है वो मनमानी कर रहे हैं, हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, और यदि हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो अब तो आपके सामने स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आ गई है कि गंदगी में 4th नंबर स्थान पर हम लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद सोकाउस होना चाहिए ऐसे नगर आयुक्त के ऊपर, ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर, ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर कि ऐसी क्या आपके पास संसाधनों की कमी रही या इच्छा शक्ति की कमी रही या पैसों की कमी रही कि आप लोग काम नहीं करा पाए, जब हमारे अकाउंट में 200 करोड़ 300 करोड़ रुपये रखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास 1,00,000 रुपये देने के लिए सफाई कर्मचारी को नहीं है, उसके बाद हमको संवेदक को पैसा देने के लिए नहीं है, और बिना बोर्ड की बैठक, बिना पार्षदों के संज्ञान में, बिना क्रय समिति के संज्ञान में दिए बिना 2,00,000 करोड़ रुपये मास्क के नाम पर, साबुन के नाम पर और सैनिटाइजेशन के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर देना, उसका कोई हिसाब नहीं देना मेयर साहिबा के मांगने के बावजूद। तो ऐसी परिस्थिति में यदि काम करना है, यदि हम नगर निगम के जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, यदि रोड नाला नहीं बनता है तो जनता को सबसे ज़्यादा जनता जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद को सुनाती है, और पार्षद किसको सुनाए, क्या पार्षद के पास वित्तीय पावर है? ये वित्तीय पावर नगर आयुक्त महोदया के पास है। यदि आपको कार्यालय में और आवास में रहना है तो हम लोग अब आपके कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगे, अब आप अपने आवास पर ही रहिए। इस तरीके की मुहिम में हम लोग सब पार्षद एक साथ हैं, विकास के मुद्दे पर हम सब एक साथ हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ कल भी काम चाहता था, आज भी चाहता हूं और आगे भी चाहूंगा, और कल भी काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों के ऊपर हम लोग बढ़ चढ़ कर विरोध दर्ज किए थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, जब जब ऐसे पदाधिकारी सुस्त रवैया अपनाने का काम करेंगे और शहर के विकास को अवरुद्ध करने का काम करेंगे, हम सब एक मत पर होकर उनका विरोध दर्ज करेंगे। कल से क्या करेंगे? हम लोग कल से सभी महिला पार्षद जितनी भी हमारी हैं, बड़ी बहनें, वो सब लोग वहाँ पर नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठने का काम करेंगी, और आगे की रूपरेखा भी सभी लोग मिलकर बनाएंगे कि इसको हम लोग लंबे समय तक, जब तक हमारी 5-6 मांगे हैं, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं कर दे तब तक हम लोग इसका विरोध दर्ज करते रहेंगे। हम लोगों को समय पर सभी सफाई कर्मचारी और संवेदकों का भुगतान चाहिए। हम लोग को जनप्रतिनिधि को कोई भी समस्या हो रही है तो वो किससे संपर्क साधे, उसके लिए अगर नगर आयुक्त फोन नहीं उठा सकती है तो किसी को अधिकृत करे कि उससे बात करने से हमारी समस्या का समाधान होगा। डंपिंग ग्राउंड हमारे पास है, कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में ही गिरे, किसी भी एंट्रेंस पॉइंट पर नहीं गिरे, इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम करें। हमारे पास जितने भी ये हैं सफाई कर्मचारी जिनकी जो है बहाली अभी की गई है, जो नियम विरुद्ध है, चाहे जलकल शाखा में हो चाहे अन्य जगहों पर, उसको पारदर्शिता के साथ सामने रखें, जनता को ये बताने का काम करें कितना रुपए का आपने सैनिटाइजर मास्क और ये सारी चीज़ें बांटी और किस मद से बांटी और इसके लिए आपने कहाँ परमिशन लिया, बोर्ड की बैठक में इसको क्यों नहीं लाने का काम किया, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।